मोदी सरकार में मंत्री बाबुल सुप्रियो अपने बिगड़े बोल की वजह से एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। एक कार्यक्रम में बाबुल सुप्रियो दिव्यांगों को साइकिल और दूसरी मशीनें बांट रहे थे। इस दौरान मंच से उन्होंने वहां खड़े एक शख्स को सरेआम धमकी दी। उन्होंने जो कहा, एक मंत्री को वो कतई शोभा नहीं देता। क्या हो गया भाई साहब? ये भाषा है हमारे केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की। अगली बार ये अगर वहां से हिले तो आप इन लोगों का एक पैर खोल लीजिएगा, नहीं तो लाठी को दे। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें तनिक भी शर्म नहीं आई। वो भूल गए कि ये एक मंत्री की नहीं मवाली की भाषा है। दरअसल मंत्री जी पश्चिम बंगाल के आसनसोल में दिव्यांगों के कार्यक्रम में पहुंचे थे। सभा में एक जगह से दूसरी जगह टहल रहे एक व्यक्ति को देखकर बाबुल सुप्रियो को गुस्सा आ गया। खुले मंच से धमकी देते हुए बाबुल सुप्रियो ने वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों से लाठियों से पिटवाने की बात कह दी। बाबुल सुप्रियो इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बैठ जाओ नहीं तो पैर तोड़कर व्हील चेयर पर बैठा देंगे। बाबुल की धमकी देने का भीड़ में मौजूद किसी शख्स ने वीडियो बना लिया। बाबुल सुप्रियो को सीपीआई नेता अतुल अंजान ने अपनी भाषा पर नियंत्रण रखने की सीख दे डाली। ये सब लोग हमारी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। ये लोग वहाँ के एक्स्ट्रा थे, कोई इनका रोल नहीं है। संघ से, भाजपा से ये सब गाना वाना गा के, तुरही उरही बजा के सर्टिफिकेट लेके घुस गए वहां। ये कुछ बदनुमे धब्बे ये चले आए हैं भारतीय जनता पार्टी में और इस अपनी गतिविधियों से भारतीय जनता पार्टी के ललाट पर सुंदर धार्मिक टीका लगा रहे हैं कि कमजोर लोगों को गरिया। ऐसा पहली बार नहीं है जब बाबुल सुप्रियो ने विवादित बयान दिया है। इसी साल मार्च में रामनवमी के अवसर पर आसनसोल में जब सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी, तब उन्होंने कहा था वो लोगों की खाल उधड़वा देंगे। बाद में इस पर हंगामा मचने पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा उन्होंने ये बयान गुस्से में दिया था। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।